सजेशंस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि रिवोल्ट ऑफ 1857 को किस प्रकार इसका रिवोल्ट ऑफ 1857 का दमन किया गया और क्या कारण थे इसकी असफलता की, ये सब हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि इसका दमन किस प्रकार, इसका सप्रेशन किस प्रकार किया गया और इसकी असफलता के क्या कारण थे, ठीक है। फिर कौन कौन से लीडर इन्वॉल्व थे। देखो, हमने एक वीडियो पिछली बनाई थी, उसमें इंडियन लीडर्स और ब्रिटिश लीडर के बारे में बात की थी हमने, तो यहाँ पे हम सिर्फ उनके नाम देंगे, इंडियन लीडर्स और ब्रिटिश लीडर के, कौन कहाँ से लीड कर रहा था। हम देखते हैं कि रिवोल्ट को फाइनली सप्रेस्ड कर दिया गया, बट दिल्ली जब को कब कब्जे में लिया गया अंग्रेजों द्वारा 20 सितंबर 1857 को, ठीक है। बड़ी लंबी संघर्ष के बाद, लगभग 3-4 महीने के संघर्ष के बाद ब्रिटिश ने दिल्ली को अपने कब्जे में लिया, ठीक है। जॉन निकोलसन थे जो दिल्ली को सीज कर रहे थे, जो दिल्ली पर कब्जा करने के लिए आए थे, उनके भी बहुत सारी चोटें लगी थी, क्योंकि नेपोलियन ने उनके साथ फाइट में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी अपनी जीत की, ठीक है। बट फाइनली ये रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया, इसका दमन कर दिया गया, और जॉन निकोलसन की उसके भी चोटें आई थी और वो उसके बाद मर गए थे, खत्म हो गए थे जॉन निकोलसन, ठीक है। बहादुर शाह जो हमारे सिंबॉलिक लीडर थे, हमारे इस क्रांति के सिंबॉलिक लीडर थे, उनको एज ए प्रिजनर, उनको जेल में बंद कर दिया गया, और उनके जो बच्चे थे बहादुर शाह के, आपको पता है कि बहादुर शाह की एज उस टाइम बहुत थी, ठीक है, और जो उनके बच्चे थे, उनके प्रिंसेस थे, उनको शरेआम गोली मार दी गई थी लेफ्टिनेंट हुडसन द्वारा, ठीक है। और लोगों को बताया गया था कि जो हमारे खिलाफ जो विद्रोह करेंगे उनके साथ यही उनका यही हश्र होने वाला है। फिर जो एम्परर था, मतलब बहादुर शाह था, बहादुर शाह बुजुर्ग था, बहादुर शाह को रंगून म्यांमार भेज दिया गया, और 1862 में इसकी डेथ वहीं पे रंगून में हो गई थी, ठीक है। अब जो मुगल हमारे पर राज करते आ रहे थे, शुरू से ही हमारे पर राज करते आ गए थे, 1857 में इनका जो घराना था वो सारा खत्म कर दिया अंग्रेजों ने, ठीक है। अब दिल्ली में जो लोग रह रहे थे उन पर भी इन जो ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे अत्याचार किए, उनसे बदला लिया गया कि आपने जो 1857 की रिवोल्ट थी उसको आपने सपोर्ट क्यों किया, ठीक है। तो बदले की भावना से जो दिल्ली में रहने वाले लोग थे उन पर भी बहुत सारे अत्याचार किए गए। तो इसी तरह जो दिल्ली थी, दिल्ली का अंग्रेजों के कब्जे में आ जाने से जो 1857 की रिवोल्ट का जो फोकल पॉइंट था वो नष्ट हो गया, वो खत्म हो गया। वन बाय वन जितने भी ग्रेट लीडर्स थे रिवोल्ट के, चाहे नाना साहब हो, चाहे झांसी की रानी हो, बख्त खान हो, जो भी जितने भी रिवोल्ट के लीडर थे, वन बाय वन उनको कैप्चर किया गया, ठीक है। जो कानपुर का कैप्चर किया गया, जहाँ से नाना साहब कानपुर को रिकैप्चर किया गया अंग्रेजों द्वारा, वहाँ से नाना साहब लीड कर रहे थे, और लखनऊ को भी कैप्चर किया गया जहाँ से बेगम हजरत मैन लीड कर रही थी। जब लखनऊ को वो रिकवर कर रहे थे अंग्रेज, तो साथ ही साथ उन्होंने कानपुर को भी रिकैप्चर कर लिया, ठीक है। जो सर कॉलिन कैंपबेल थे उन्होंने कानपुर को कैप्चर किया, सर कॉलिन कैंपबेल ने किया, दिसंबर 6, 1857 को उन्होंने नाना साहब को डिफीट किया, और नाना साहब 1859 को नेपाल की जंगलों की तरफ भाग गए थे, और उसके बाद नाना साहब की कोई खबर हमें नहीं मिली। जो नाना साहब के क्लोज एसोसिएट थे तांत्या टोपे, वो भी सेंट्रल इंडिया के जंगलों में भाग गए, बट उनको अप्रैल 1859 को उनको कैप्चर कर लिया गया, पकड़ लिया गया, उनको मार दिया गया। अब रानी झांसी थी, रानी झांसी तो आपको पता है कि जब सर ये यूज रोज थे, ठीक है, इनके साथ फाइट करती हुई ये जून 1858 में मारी गई थी, झांसी की रानी थी जो, ठीक है। और जो कुंवर सिंह थे, कुंवर सिंह ये बिहार से लीड कर रहे थे, ठीक है, और बख्त खान ये दिल्ली से लीड कर रहे थे, ठीक है। खान बहादुर ये बरेली से लीड कर रहे थे, और राव साहब थे ये नाना साहब के ब्रदर थे, राव साहब नाना साहब जो कानपुर से लीड, उनके ब्रदर थे, और 1859 तक इन सभी को, कुंवर सिंह, बख्त खान, खान बहादुर बरेली के, राव साहब, इन सभी को मार दिया गया, ठीक है ना। और जो बेगम हजरत महल थी उनको, बेगम हजरत महल लखनऊ से लीड कर रही थी, अवध से लीड कर रही थी बेगम हजरत महल, उनको भागने पर मजबूर कर दिया, और वो जाके बेगम हजरत महल नेपाल में जाके छुप गई थी। अब देखो, जो बनारस में रिबेलियन उठा, एक बनारस में भी लोगों ने अपना एक विद्रोही ग्रुप बनाया, उन्होंने एक बहुत बड़ा मतलब विद्रोह ऑर्गेनाइज किया, और ये मर्सी लसली इनका दमन किसके द्वारा, कोलोनल नेल द्वारा इसका दमन किया गया, ठीक है। बनारस में कोलोनल नेल ने लीड किया अंग्रेजों को, ठीक है ना। जो जितने भी वहाँ पे सस्पेक्ट, जो जितने भी उनको शक के दायरे में रिबल आ रहे थे, जितने विद्रोही नजर आ रहे थे, और जितने भी इनडिसिप्लिन सिपाही उनको नजर आ रहे, उनका सबको खत्म किया सर कोलोनल नील ने, उनको खत्म किया, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि 1859 के एंड में
1859 के एंड में ब्रिटिशर्स ने इंडिया में लगभग सभी जगह अपना राज स्थापित कर लिया दोबारा से, ठीक है। राज तो ये पहले भी कर रहे थे, परंतु 1857 के बाद इनके कई जगह थे इनका राज छूट गया था, ठीक है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ पे बहुत सारी सप्लाई मैन की लानी पड़ी, बहुत सारे फौजी यहाँ पे लाने पड़े इंडिया में, मनी यहाँ पे लगानी पड़ी और आर्म्स वगैरह हथियार वगैरह खरीद के लाने पड़े। बट इतना खर्चा करने के बाद अब ये इस खर्चे का भुगतान भी किनको करना पड़ा, इस खर्चे का भुगतान भी इंडियंस को ही करना पड़ा, क्योंकि अंग्रेज सोचते थे इन्होंने विद्रोह किया तो हमें इतना पैसा और इतने लोग यहाँ पे लगाने पड़े, अब इनसे ही हम किसी ना किसी तरह इनसे ही ये पैसा वसूल करेंगे और इनको हम दमन करेंगे, इसमें इन पे हम अत्याचार करेंगे। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ये जो 1857 की रिवोल्ट थी इसकी असफलता के क्या कारण थे, तो हम मेजर असफलता के कारण इसके आपके साथ डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले तो बात करेंगे कि ऑल इंडिया लेवल पे इसकी एब्सेंस थी, मतलब ये ऑल इंडिया लेवल पे इसका प्रचार प्रसार नहीं हो सका था, ये कुछ ही राज्यों में इसका प्रचार प्रसार हुआ था, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन वाज एब्सेंट, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पे इसका पार्टिसिपेशन नहीं हुआ था। इसका जो टेरिटोरियल, इसका जो क्षेत्रीय फैलाव था वो सीमित, बहुत ज़्यादा सीमित था, ठीक है ना। पूरे इंडिया लेवल पे इसका टेरिटोरियल स्प्रेड नहीं हुआ था। जैसे हम देखें ईस्टर्न इंडिया में, सदर्न में और वेस्टर्न पार्ट्स में इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था, क्योंकि पहले जब भी कहीं, चाहे वो ईस्टर्न में कोई छोटी मोटी कोई क्रांति हुई हो, ठीक है, सदर्न में कोई क्रांति हुई या वेस्टर्न पार्ट्स में हुई हो, उनको अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता से उनका दमन कर दिया था अंग्रेजों ने, ठीक है। तो इसी वजह से शायद हो सका ईस्टर्न, साउथर्न, वेस्टर्न पार्ट्स में इसका स्प्रेड इतना देखने को नहीं मिला था, लोग डरते थे क्योंकि अंग्रेज बहुत ही मर्सीलेसली इस लोगों को, विद्रोहियों को सप्रेस करते थे। फिर सभी क्लासेस ने इसको ज्वाइन नहीं किया था, सभी क्लासेस के लोगों ने इन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। जो जैसे हम कहते हैं कि ये रिवोल्ट में कुछ ही लोग, जैसे ज़्यादातर लोग थे जो वो म्यूट नहीं थे, वो फौज से थे, सोल्जर थे, जिनके साथ जैसे चर्बी वाले कारतूस का खेच लो, ज़्यादातर वो थे। फिर कुछ लोगों ने, जो सिविलियंस लोगों ने, कुछ ने इसमें पार्टिसिपेट जरूर किया था, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि विग जमींदार के माइंड में ये आ रहा था, जब इनको कहा, बड़े बड़े जमींदारों को अंग्रेजों ने कहा कि आपको हम आपका जो हमने जो आपका लैंड छीना है वो वापस कर देंगे, तो जो बड़े बड़े जमींदार थे वो फिर दोबारा अंग्रेजों के साथ हो गए थे, ठीक है। उनको जब प्रॉमिस मिल गया कि आपका लैंड आपको वापस कर देता, तो वो बाकी अंग्रेजों के साथ हो जाए। जो मनी लैंडर्स थे, मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, मनी लैंडर थे, उनकी अकाउंट्स बुक्स थी वो जो हमारे पीजेंट्स थे उन्होंने नष्ट कर दी थी, ठीक है। अब मनी लैंडर्स को भी ऐसा लग रहा था कि अगर हम विद्रोहियों के साथ जाएंगे तो ये हमारी अकाउंट्स बुक्स वगैरह, हमारा ही सिस्टम वगैरह ये नष्ट करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि हमें अंग्रेजों के कृपा प्रभाव में रहने की जरूरत है, अंग्रेज ही हमें बचा सकते हैं, अदरवाइज ये जो विद्रोही हैं, ये खास करके जो पीजेंट्स हैं, ये हमारा नाश कर देंगे। फिर उसके बाद जो एजुकेटेड इंडियंस ने इस रिवोल्ट में भाग नहीं लिया था, उन्होंने, वो एजुकेटेड इंडियन ऐसे सोच रहे थे कि ये जो रिवोल्ट है, ये जो क्रांति है, वो बैकवर्ड लुकिंग है, क्योंकि ये जो फ्यूडल ऑर्डर है, जो हमारे पुराने विचारों वाले लोग होते हैं, उनकी सपोर्ट से ये चल रही है, ये जो 1857 की रिवोल्ट है। और वो कह रहे थे ये एक मॉडर्निटी के, आधुनिकता के अगेंस्ट जो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं, तो हमें मॉडर्नाइजेशन के साथ जाना चाहिए, हम ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव फोर्सेस का साथ नहीं देंगे। और अब ये जो एजुकेटेड इंडियन थे, इनके माइंड में ये भी होप थी, इनको ये भी उम्मीद थी कि जो ब्रिटिश हैं वो हमारे लिए आधुनिकता लेके आएंगे, वो मॉडर्नाइजेशन के अंग्रेज जनक है, ये आगे बढ़ने वाली एक्टिव फोर्सेस के जनक है अंग्रेज, हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो चाहे कोई न्यूट्रल भी हो रहा था, चाहे कोई फोर्स न्यूट्रल भी हो रही तो वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अंग्रेजों के साथ ही जा रही थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हुआ कि 1857 की रिवोल्ट को सप्रेस करने में अंग्रेजों को सहायता मिली, ठीक है। फिर जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंडियन रूलर थे, जो छोटे छोटे पहले प्रिंसली स्टेट्स होते थे ना, ठीक है, जैसे हम बात कर लें प्रिंसली स्टेट, जैसे सिंधिया ऑफ ग्वालियर के जो सिंधिया थे, इंदौर के जो होलकर थे, ठीक है, फिर पटियाला के जो राजा थे, सिंध के जो राजा थे, और अदर भी कोई छोटे छोटे सिख चीफटेंस थे, छोटे छोटे राजा थे, उन्होंने सभी ने, जैसे महाराजा ऑफ कश्मीर थे, ठीक है ना, इन सभी ने ही अंग्रेजों का साथ दिया, और इन्होंने जो हमारे विद्रोह कर रहे थे 1857 का, उनका साथ, उन लोगों का साथ नहीं दिया, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, ठीक है। फिर एक, अगर हम एक एस्टीमेट लगाते हैं, जे स्पेक्ट्रम में दिया होगा, अगर हम एक एस्टीमेट लगाते हैं तो 1/4 ऑफ द टोटल एरिया, कि टोटल एरिया का सिर्फ 25% भाग
ठीक है, और 1/10 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, और टोटल पॉपुलेशन का 1/10 भाग ही मतलब दसवां भाग ही पॉपुलेशन का, और 25% भाग टोटल एरिया का ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, जो हमारी 1857 की रिवोल्ट थी। ठीक है, फिर जो हमारे फिर अगला रीजन क्या था, पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट। जो हमारे लोगों के हथियार थे, जो विद्रोहियों के हथियार थे, वो बड़े पुअर थे, पुअर इन द मैन, वो अच्छे क्वालिटी के नहीं थे, अच्छी टेक्निक के नहीं थे। ठीक है, जो इंडियन सोल्जर्स थे वो स्वॉर्ड से लड़ रहे थे, तलवारों से लड़ रहे थे, बालों से लड़ रहे थे, और कईयों के पास ही छोटी छोटी गन थी या मस्केट्स थी, जब मस्केट्स जो दो नाली होती है या एक नाली होती है उसको बोल देते हैं। तो ये बड़े जो इनके जो आर्म्स थे वो बहुत पुअर थे, इक्विपमेंट इनके बहुत पुअर थे, और ये कईयों के पास गन थी और कईयों के पास दो नाली वगैरह थी, और ये खास करके ये तलवारों और स्पीयर से लड़ रहे थे। ऑन द अदर हैंड जो यूरोपियन सोल्जर्स थे उनके पास लेटेस्ट राइफल्स थी, जैसे एनफील्ड राइफल की हम बात करते हैं, और भी कई मॉडर्न वेपन थे जिनके साथ वो इस 1857 की रिवोल्ट को दबाने में लगे हुए थे। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का यूज़ किनके द्वारा किया जा रहा था, जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का यूज़ किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। इससे क्या होता था, किसी भी जगह पर कमांडर इन चीफ को इन्फॉर्म कर दिया जाता था कि दिल्ली में ये हो रहा था अंग्रेजों द्वारा, कि लखनऊ में, कानपुर में, झांसी में ये हो रहा है। तो टेलीग्राफ की वजह से कम्युनिकेशन करना अंग्रेजों को आसान हो रहा था। ठीक है, तो ये भी एक कारण बना इस रिवोल्ट के दमन का। फिर जो इनके हमारा जो विद्रोह था ये अनकोऑर्डिनेटेड था और पुअरली ऑर्गेनाइज्ड था। इसका क्या मतलब कि कोई सही तरह से इस रिवोल्ट को कोऑर्डिनेट नहीं कर सका और इसको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं कर सका। ठीक है, जो हमारी लीडरशिप थी वो पूरली ऑर्गेनाइज रहती थी और सेंट्रल लीडरशिप का तो हमेशा ही अभाव दिखा है हमारे लोगों में। जैसे कि हम देख रहे हैं जो प्रिंसिपल रिबल लीडर थे, जो प्रिंसिपल विद्रोही लीडर थे, जैसे नाना साहब, तांत्या टोपे और कुंवर सिंह या लक्ष्मी बाई, देखो ये बहुत बहादुर लोग थे, ये बहुत बहादुर थे लड़ने में, बट फिर भी जो ब्रिटिश जो ओपोनेंट्स थे या ब्रिटिश के जो जनरल थे वो ज़्यादा एक्सपीरियंस थे और उन्होंने कई जगह विद्रोहों का सामना किया हुआ था, तो एक्सपीरियंस होने के कारण उनको इन लोगों को हराने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जनरल थे, जो इनके लीडर थे, जैसे जॉन लॉरेंस, ठीक है, लॉरेंस ब्रदर्स हो गए, ठीक है ना, जॉन निकोलसन हो गया, जेम्स ऑटरम हो गया, हेनरी हैवलुक हो गया, ये वेरी मच एक्सपीरियंस पर्सन थे। इन्होंने इससे पहले भी क्योंकि 1857 की रिवोल्ट से पहले भी बहुत छोटी छोटी रिवोल्ट हुई थी, तो इनको सप्रेस करने में ये जॉन लॉरेंस ब्रदर्स ने, जॉन निकोलसन ने या जेम्स ऑटरम ने बहुत तगड़ा रोल प्ले किया था। तो अपने एक्सपीरियंस की वजह से ये हमारे लोगों से, हमारे लीडर जो थे नाना साहब, तात्या टोपे, इनसे आगे निकल गए। ठीक है, फिर इनकी कोई यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं थी, जो हम विद्रोह कर रहे थे 1857 का, इनकी कोई एक आइडियोलॉजी नहीं थी। एक्चुअली ये पर्सन फॉरवर्ड लुकिंग नहीं थे। फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब ये हुआ कि इनके जो ग्रीवेंसेस थे, वो अलग अलग थे। ठीक है ना, कोई तो अपने राज के लिए लड़ रहा था, कोई अपनी जमीन के लिए लड़ रहा था, तो ये एक नेशन के लिए नहीं लड़ रहे थे। कहा जाता है कि 1857 की रिवोल्ट को चाहे दमन कर दिया गया, बट 1857 की रिवोल्ट ने हम लोगों को एक नेशन की भावना, एक राष्ट्र भावना हमारे लोगों में जगा दी, ताकि हम 1947 को अपने देश के लिए आज़ादी मांग सकें। तो एक प्लेटफॉर्म 1857 की रिवोल्ट ने हमारे लोगों के लिए तैयार कर दिया था। हाँ, लोगों में इसके बाद 1857 के बाद लोगों में राष्ट्र भावना आनी शुरू हो जाएगी। पहले तो इनकी आइडियोलॉजी अलग अलग होती थी, पहले इनके जो ग्रीवेंसेस होते थे, जो इनके दुख होते थे, वो अलग अलग होते थे। दे वर फाइटिंग फॉर दी ओन ग्रीवेंसेस। ठीक है, कोई भी अलग अलग अपने ग्रीवेंसेस के लिए लड़ रहा था। हाँ, वो एक नेशन की भावना से, राष्ट्र की भावना से, कि हम एक देश के निवासी हैं, हमें अपने नेशन के लिए लड़ना चाहिए, ये वाली आइडियोलॉजी उनमें मिसिंग थी। ठीक है, फिर इसको क्या हुआ, हाँ ये तो हो भी सकता है कि, ठीक है ना, क्योंकि पुराने टाइम में कोई आइडियोलॉजी थी भी नहीं। हाँ, जो मॉडर्न नेशनलिज्म था वो 1857 के बाद ही आया लोगों में। ठीक है, लोगों में राष्ट्र की भावना, फिर जैसे हमने देखा कि कई आंदोलन चलाए गए गांधी जी द्वारा, कई लोगों द्वारा आंदोलन चलाए गए, तो वहाँ पर राष्ट्र भावना देखने को मिल रही थी। ठीक है ना, तो इसमें यही कहा गया कि जो 1857 की रिवोल्ट है
उसने उन उसकी कोई उसमें जो विद्रोही थे उनकी कोई यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं थी, उनकी कोई एक आइडियोलॉजी नहीं थी, उनकी डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी थी। हाँ, 1857 की रिवोल्ट ने लोगों में राष्ट्र भावना जगाई और उस राष्ट्र भावना की वजह से ही लोग अपने अगली जो नेशनल मूवमेंट चली थी जो 1947 तक चली, वो उनके लिए 1857 की रिवोल्ट ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। अब हमने आपसे कहा था कि हम इंडियन लीडर के बारे में बोलना, कौन कहाँ से लीड कर रहा था। हमने इसके बारे में क्वेश्चंस बहुत देखे हुए हैं कि कौन सा पर्सन कहाँ से लीड कर रहा था। हम अंग्रेज जो लीडर है उनके बारे में बात करेंगे और जो इंडियन लीडर है उनके बारे में बात करेंगे। देखो, दिल्ली से वैसे तो एम्परर थे जो बहादुर शाह जफर, वो लीड कर रहे थे, बट क्योंकि वो बूढ़े थे, वो वीक थे, तो इस कारण जो जनरल बख्त खां थे वो लीड कर रहे थे दिल्ली से। और कानपुर से नाना साहब लीड कर रहे थे, ठीक है। लखनऊ से बेगम हजरत मैं लीड कर रही थी, और बरेली से खान बहादुर लीड कर रहे थे, और बिहार से कुंवर सिंह लीड कर रहे थे, फैजाबाद जिसको आज के टाइम में हम अयोध्या बोलते हैं वहाँ से मौलवी अहमदुल्ला लीड कर रहे थे, झांसी रानी लक्ष्मीबाई वहाँ से लीड कर रही थी, बागपत जो कि अब यूपी में है वहाँ से शामल लीड कर रहे थे। अब आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा रहा था, दिल्ली में जनरल बख्त खान को किसने डिफीट किया, कौन कौन से जनरल लीडर ने डिफीट किया, कौन कौन से ब्रिटिशर्स ने डिफीट किया, ये भी पूछा जा रहा, नाना साहब को किसने डिफीट किया, बेगम हजरत महल को किसने डिफीट किया, इस तरह बाकी के बारे में पूछा जा सकता है, वो हम आपके साथ आगे की स्लाइड में बताते हैं। जैसे दिल्ली में लेफ्टिनेंट वोलगबी और जॉन निकोलसन और लेफ्टिनेंट हुडसन ये लगे हुए थे दिल्ली में, ये तीनों लेफ्टिनेंट वोलगबी, ठीक है, और जॉन निकोलसन और लेफ्टिनेंट हुडसन, इन्होंने दिल्ली में 1857 की रिवोल्ट को सप्रेस किया था, ठीक है। कानपुर में सर यूज वॉलर, नाना साहब को इन्होंने डिफीट किया था, कानपुर में सर यूज वीलर को डिफीट किया, सॉरी सर यूज वीलर ने नाना साहब को डिफीट किया, ठीक है। फिर सर कॉलिन कैंपल थे वो भी यूज विलर के साथ थे जब इन्होंने नाना साहब को डिफीट किया, ठीक है। लखनऊ में बेगम हजरत महल लीड कर रही थी, और बेगम हजरत महल को जो लखनऊ में किन्होंने डिफीट किया, हेनरी लॉरेंस ने, ब्रिगेडियर इंग्लिश ने, और हेनरी हैवलॉक ने, जेम्स आउटरम ने, और सर कॉलिन कैंपल ने लखनऊ में बेगम हजरत महल को डिफीट किया। और झांसी की रानी को किन्होंने डिफीट किया, सर यूज रोज ने झांसी की रानी को डिफीट किया था, ठीक है। और बनारस में किसने किया था, बनारस में जो एक छोटा सा विद्रोहियों का ग्रुप उठा था वहाँ पे उनको किसने सप्रेस किया था, किसने उसका दमन किया था, तो जो जेम्स नील थे उन्होंने बनारस में अपनी भूमिका निभाई थी 1857 की रिवोल्ट को दमन करने का। ये हमने आपके साथ कारण किए, हमने आपको बताया कि 1857 की जो रिपोर्ट है उसका दमन किस प्रकार किया गया और इसके जो असफलता के कारण थे हमने आपके साथ शेयर किए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। आगे हम और भी आपके साथ वीडियो 1857 की रिवोल्ट की एक दो लेके आएंगे। सो थैंक यू।